हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं लच्छा प्याज का रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए चलते हैं आज के इस मजेदार रेसिपी की तरफ। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो लच्छा प्याज बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने प्याज को इस तरीके से किया है, एक एक करके और बीच से प्रेस करके ना सारे जो उसका लेयर होता है उसको सारे को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ सबको मैंने अलग अलग कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और उसके बाद एकदम चिल वाटर आप फ्रिज से निकालेंगे और उसको प्याज में भिगो के रख देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक आइए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो प्लेट में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया 1 चम्मच, जो कि तीखा नहीं होता, बस कलर आता। उसके बाद 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया, 1 चम्मच रेगुलर नमक लिया है और ये रहा 1/2 चम्मच चाट मसाला और ये रहा ब्लैक साल्ट, तो इसको भी 1/2 चम्मच ले लेंगे। उसके बाद पानी में जो भिगो के रखे हुए थे प्याज उसको एक एक करके पानी से छान के और इसमें डालेंगे। गाइज ये ना मतलब कि ये लच्छा प्याज बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है कि उसके बाद मैंने थोड़ा सा अचार ले लिया तो इससे ना और ज़्यादा मतलब कि और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। उसके बाद 1 नींबू मैंने लिया हुआ था तो 1/2 मैंने उसको कर लिया है और इसको इस सबसे लास्ट में नींबू निचोड़ देंगे इसके ऊपर। और ये इतना टेस्टी लगता है ना, आप रोटी के साथ का, चावल के साथ का, चावल दाल के मतलब कि एक सैलेड, जैसे कि हम लोग प्रॉपर सैलेड बनाते हैं। तो प्याज तो हर किसी को बहुत पसंद होता है, सब कोई खाना के साथ खाना पसंद ही करता है। तो आप एक बार इस तरह से बना के खाओ, इतना टेस्टी लगेगा ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो मुझे भी बहुत पसंद है, पापा को तो प्याज खाना के साथ बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा बनाती हूँ तो पापा को बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा कि इसका एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूँ कि आप लोगों को भी, आप लोग के पास भी पहुँच जाए और आप लोग भी रेसिपी ट्राई करें। तो ये ना आपको देख के लग रहा होगा कि बहुत टेस्टी लग रहा है, मतलब एकदम मसालेदार, बहुत अच्छा हुआ है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, देख के तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी। और चाट मसाला भी मैंने डाला हुआ है और नींबू भी डाला हुआ है, तो दोनों का टेस्ट एकदम ज़बरदस्त आता है। और इसको अच्छे से मिला के आप देख सकते हैं रख दिया मैंने। उसके बाद हरा मिर्च मैंने 1 कट करके ऊपर से डाल दिया। तो गाइज आप ये ज़रूर ट्राई करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।